कदीम और जदीद लोगों के मुनफरिद आदात में से सितारों पर निगाहें टिका के रखना और कायनात के बारे में तजस्सुस से सोचना सबसे ज्यादा पुरसुकून हो सकती हैं। जब हम रात के साफ आसमान को या सितारों और कहकशाओं की शानदार तस्वीरों को देखते हैं तो हम हैरत ज़दा हो जाते हैं और किसी कुतुब खाने की तरह मुकम्मल खामोशी में चले जाते हैं। हम आजिज होकर एक ऐसे जादुई दायरे में दाखिल हो जाते हैं जिसमें कदीम अजीम आर्ट म्यूजियम की मुकद्दस खामोशी का एहसास होता है। अपने सेल फोन्स को एहतराम के साथ बंद कर देना चाहिए क्योंकि ज़रा सी आवाज़ बहुत शोर करेगी। ये ख्याल दरअसल इस सोच की अकासी है कि कायनात बहुत खामोश है और इसमें कोई आवाज़ नहीं। कायनात की आवाज़ें वो मानूस आवाज़ें नहीं हैं जो हमारे कानों को महसूस होती हैं। खला कामिल खला है और आम आवाज़ सिर्फ इस जगह से आती है जहाँ थरथराहट का मादा हो। यही एक वजह है कि निज़ाम शमसी से बहुत दूर कायनात के बारे में हमारा फौरी इल्म साइंसी फलकियात से लेकर अब तक तकरीबन मुकम्मल तौर पर तवानाई की एक शक्ल के मुताले से वजूद में आता है। लेकिन हाल ही में साइंसदानों को स्पेस यानी खला से अजीब व गरीब आवाज़ें मौसूल हुई हैं, ये कि अंदर से आने वाली अजीब आवाज़ों की तरह सुनाई देती हैं। इस दरियाफ्त ने इंसानों को कायनात के बारे में मज़ीद तजस्सुस में डाल दिया है कि हम समझा करते थे कि कायनात मुकम्मल खाली है लेकिन ऐसा नहीं है। इन आवाज़ों के शवाहिद से माहरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि हम कायनात में अकेले नहीं हैं। या तो किसी बहुत बड़ी तवानाई के वजूद से ऐसी आवाज़ें जन्म लेती हैं या कायनात में हमारे अलावा भी कोई और मौजूद है।